हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अभी यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी है, अगर देखेंगे कहीं ना कहीं 300 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है अराउंड नवंबर दिसंबर 2021। एक साल में बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है, जितना रिटर्न देना चाहिए था उससे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया एक साल में। कहीं ना कहीं उसके बाद इन लेवल्स के क्रॉस करने के बाद, 800 को क्रॉस करने के बाद इसकी जर्नी यहाँ पे थोड़ी टफ रही है। 800 से 11,000 जाने के 1100 जाने के बाद ये पूरा का पूरा फिर से यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे लगभग लगभग 400 पॉइंट्स का यहाँ पे रेंज बना दिया। ठीक है, रेंज बनाने के बाद देखेंगे इसके अंदर ही पूरा का पूरा टाइम ये स्पेंड कर रहा है, इसके बाहर नहीं गया है। ये हो गया हमारा बड़ा व्यू। छोटे व्यू की अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चार्ट जूम आउट कर लेते हैं उसके लिए। अभी की फ़िलहाल बात करते हैं। अभी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 600 से जो मोमेंटम हुई है बहुत ही फास्ट मोमेंटम हुई। ठीक है, जब गिरावट हुई तो यहाँ से गिरने भी देखेंगे एक दो भी पूरा रेड कैंडल है, एक भी ग्रीन कैंडल इस बीच में नहीं बना है। लेकिन इन लेवल से जिस तरीके से बायर्स ने इसको बाई करके फिर से टॉप पे पहुंचाया है, मतलब यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे हैं। ठीक है, देखेंगे ये सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं आप, कितना स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर था, फिर से सेलिंग प्रेशर है। लेकिन लास्ट टाइम जितना स्ट्रांग था, जितना डीप हुआ था, उसका 50% भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर से बायर्स इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे 960 यहाँ पे हिट करने के बाद फिर से हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं और ये इस रेंज में ये फंसा हुआ है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, राइट। पहले हमारी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से थी और उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन बन गया तो हमारी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इन पॉइंट को कनेक्ट किया, हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। अभी देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है और ब्रेकआउट दिया था, तो ये यहाँ पे लोगों ने प्ले किया होगा। सबका एसएल कितना होगा दोस्तों? सबका एसएल मैक्सिमम लोगों का, मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, तो लास्ट स्विंग के नीचे होता है। अगर ये लेवल हिट होता है 838 के आसपास वाला जो लेवल है, तो ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि एसएल है, एसएल जब कटता है तो नीचे तेज़ी से जाता है और 800 के आसपास आएगा। ठीक है, 800 के आसपास फिर से एक लास्ट स्विंग है, अगर ये भी कटेगा तो तेज़ी से नीचे की ओर आएगा। इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, चलिए एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है ना। ठीक है, अभी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करेंगे, आप ये चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस इसको कहाँ मिला है। देखेंगे कहीं ना कहीं 960 का हमारे पास पहले से एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये पीछे से रेजिस्टेंस लेवल चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर से गिरते समय भी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और ये जर्नी यहाँ पे ऊपर से जब जा रहा था तो कहाँ आके रुकी है, कहीं ना कहीं देखेंगे 800 के आसपास आके रुकी है। तो ये 930, ठीक है, सॉरी ये कितना लेवल एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, 940। ठीक है, 970 का लेवल है ये, तो 900, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, 960 के आसपास का लेवल, ओके 960 के आसपास का लेवल है, और यहाँ पे नीचे जो लेवल है वो 800, तो 160 पॉइंट का यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रेंज बन चुका है। रेंज कैसे बना है, ये ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आया तो अब ये फिर से यहाँ पे ऊपर गया है, अब ये फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच हम लोग एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हम लोग को नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम लोग को ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नज़र आएगी, आ रही है कि नहीं। अभी जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट प्लस ये ब्लू कलर वाले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये दोनों ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके से ऊपर की ओर निकले। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है दोस्तों, तो ये ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे ये जो चैनल बना हुआ है, ठीक है, 160 पॉइंट का, इसके नीचे वाले पार्ट पे आए। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर गया, अब यहाँ पे ये नीचे टच करे, और जब भी ये नीचे टच करेगा तो यहाँ से बायर्स ज़रूर एक्टिव होंगे, और बायर्स अगर एक्टिव होते हैं तो ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ पे जो एक्युमुलेशन जोन है, ये जो यहाँ पे चैनल पैटर्न बना है, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं, और ये यहाँ पे 900-800 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। ऊपर 960 का लेवल मार्क करके रख लीजिएगा, प्लस आप लोग ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करके रख लीजिएगा जो अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल के अंदर का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारे चैनल के अंदर का ट्रेंड लाइन है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मार्क करके रख लेते हैं। अब ये जब यहाँ से नीचे गिर रहा है तो देख रहे हैं इस तरीके से पुल बैक मिला है, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन बनी है, यहाँ से आने के पहले ये इस तरीके से गिरा, अब जब ये ऊपर जाएगा तो यही है 920 का लेवल जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर 900 के आसपास ओपनिंग होती है, उसके बाद अगर ये अपना लास्ट स्विंग मंडे को ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि 885-86 के आसपास का है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 860 के आसपास आने की कोशिश करेगा, एंड उसके बाद 840 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो अगर मंडे ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें सीधे ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। सेकेंड केस यहाँ पे, अगर दूसरा केस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है 920 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, राइट। अगर यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के 900 से फिर 920 को इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब ये जो जर्नी थी यहाँ पे, ठीक है, ये जो गिरावट थी इसका यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो इसका यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा चॉपिनेस है, इसीलिए जब तक हम लोगों को एक वन वे डायरेक्शन नहीं मिल जाता तब तक हमें मेन क्वांटिटी में कहीं भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बैठे तो नहीं रह सकते, ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठा रह सकता। तो अगर मैं 100 रुपीज़ का अगर कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करता हूँ, या 1000 का फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अगर मैं उससे रहा भी नहीं जा रहा है तो मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो सिर्फ 100 पॉइंट्स का 100 रुपीज़ का यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो 1/10 मैं यहाँ पे अपने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, और प्रॉफिट मिलेगा तो भी छोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन चलेगा, एटलीस्ट मैं यहाँ पे कुछ पैसे बना के जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन बनता है तो हो सकता है ये ऊपर की ओर निकले, और फिर से ये जो हमारा स्विंग था हमें पता है, ठीक है, हमारा जो रेंज है इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस एनालिसिस। थैंक यू।